सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास में प्रश्न नंबर 27, ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा 60 डिग्री का कोण बनाओ। तो हमने 60 डिग्री का कोण कैसे बनाना है, वैसे तो मैंने अभी तक आपको बहुत बार बताया है जब मैंने 90 डिग्री कोण बनाए थे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है। आपने ए बी रेखा लेनी है, ये आपकी भी रेखा है, हल्की रेखा से हम इसको दर्शाएंगे, और आपने ए पॉइंट पर पॉइंट जरूर आपने लगा देने हैं, ए पॉइंट पर आपने एक चाप लगानी, ये आपकी चाप है, और यहां से आपने पहली चाप लगानी। इस चाप का मैं नाम दे देता हूं यहां पे, ये आपका है डी, और जहां ये कट रहा है ये पॉइंट आपका आ गया ई। आपने क्या करना है, डी और ई जो आपकी चाप लगी है जहां पे ये कट रही है वहां से आपने ए को मिला देना, ये आपका है 60 डिग्री का कोण बन गया। अगला आपका है प्रश्न नंबर 28, ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा 30 डिग्री का कोण बनाओ। तो अभी हमने इससे पहले 60 डिग्री का कोण बनाया था, वो हमने 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक दी हुई रेखा है ए बी, ए और बी हम इसके नाम दे देते हैं, और हमने चाप लगानी है, इस तरह से हमने चाप लगा दी है। ये चाप जहां से लगी है इसका नाम मैं दे देता हूं डी, और हमने क्या करना है, डी पॉइंट पर प्रकार रखना है और इस चाप को काट देना है। ध्यान रहे प्रकार आपकी जितनी पहले खुली थी उतनी ही रहे, और जहां ये कट रही है यहां हम पॉइंट का नाम दे देते हैं ई, और अब आपने क्या करना है, डी से जो आपने चाप लगाई है आप इसी को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अलग से भी आप इस तरह से डॉटेड चाप लगा सकते हैं, और आपने जहां ये ई पॉइंट आ रहा है ये देखिए यहां से आपने इस चाप को काट देना है इस तरह से, और आप चाहो तो आप यहां पे एक लाइन भी लगा सकते हैं यहां पर लगेगी डॉटेड लाइन, यहां से आपने ए और ई को आप मिला सकते हैं यहां पे, ये आप इसको मिला दीजिए इस तरह से डॉट लाइन से, और जो आपका ये चाप आ रही जहां पे दोनों चापें आपस में कट रही है इसको आपने डार्क मिलाना है, क्योंकि ये आपकी उत्तर की रेखा है, ये आपकी उत्तर की रेखा है, इसलिए आप इसको डार्क मिलाएंगे, और अब आप यहां पे लिख सकते हैं 30 डिग्री, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है पूरा जो कोण है ये 60 डिग्री का, उत्तर की रेखा से निचला जो आपका है वो है 30 डिग्री। अगला आपका प्रश्न है 29, ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा 15 डिग्री का कोण बनाओ। तो आपने सबसे पहले ए बी रेखा लेनी है, थोड़ी ज्यादा ही हल्की हो गई है, थोड़ी इसको कर लेता हूं, ए और बी, वही अपने 60 डिग्री का कोण सीखा, 30 डिग्री का सीखा, अब हम 15 डिग्री का कोण सीखते हैं कैसे बनाते हैं। हमने प्रकार खोलनी है और ऐसे चाप लगानी है, जहां से चाप लग रही है इसका नाम हम दे देते हैं डी, वो आपने पहली चाप काटनी है, और ये चाप हमेशा 60 डिग्री की होती है, और इसका आप नाम दे देते हैं ई, और हम ई और ए को मिला देंगे, और ये डॉटेड मिलेगा क्योंकि ये पूछा नहीं है, ये तो सिर्फ सहायक है, हमारी हेल्प करेगा 15 डिग्री का कोण बनाने में, तो इसको हम मिला सकते हैं इस तरह से, और
अब आपने क्या करना है, जितनी प्रकार आपने पहले खोल रखी थी प्रकार उतनी रहेगी, ज़्यादा कम नहीं होगी, इसका विशेष ध्यान रखना है। आपने आगे चाप लगानी है, जैसे आपने अभी बनाया था 30 डिग्री का, वैसे ही 30 डिग्री का कौन बनेगा। ई पॉइंट पर प्रकार रखो और आप इस चाप को काट दो और इसको इसका नाम हम दे देते हैं एफ। एफ नाम दे दिया है आपने, ए और एफ को भी मिलाना है और ये भी आपका डॉटेड मिलेगा क्योंकि ये आपका अंतरेखा नहीं है, ये आपका बन रहा है अभी 30 डिग्री का। आपने 60 का आधा किया तो हमारा 30 डिग्री का कोण बन गया है। अब आपने क्या करना है, 15 का बनाना है तो फिर इस 30 का आधा करना पड़ेगा, पर प्रकार उतनी ही रहेगी जितनी पहले आपने खोल दी। इसको आप ज़्यादा कम मत करिए और इस तरह से आपने आगे चाप को बढ़ाना है। ये चाप आगे बढ़ जाएगी यहाँ से और आपने ये जो 15 वाली जो रेखा आ रही है 30 डिग्री के कोण वाली, यहाँ पे आपने प्रकार रखनी है और इस चाप को आपने ऐसे डॉटेड ऐसे काट देना है और आपने इसको डार्क में लाना है। ये जो आपकी है ये आपकी अंश रेखा आएगी, ये आप ऐसे आपकी अंश रेखा आएगी। आप सोच रहे होंगे कि पहले सर ने 60 का बनाया, फिर आपने 30 का बनाया, फिर मैंने 15 का बनाया, तो मैंने ये एक में क्यों नहीं बनाया। इसका करवाने का मेन उद्देश्य क्या है कि जब मैंने 60 डिग्री का कोण बनाया तो ये लाइन डार्क थी, आपने ध्यान दिया होगा। फिर मैंने 30 डिग्री का कोण बनाया तो ये लाइन डॉटेड थी और ये लाइन मेरी डार्क हो गई थी। अब मैंने 15 का बनाया तो ये दोनों लाइनें डॉटेड है और ये आपकी लाइन डार्क है। इसलिए अब अगर ये तीनों लाइनें डार्क होती तो आपका सही उत्तर नहीं बनता कि कौन सा कोण मैंने बनाया है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग बताया है। 60 डिग्री में ये लाइन डार्क थी, 30 में ये लाइन डार्क थी और 15 में ये लाइन डार्क है। और मैं यहाँ लिख लेता हूँ 15 डिग्री। इस तरह से आपने इनको बनाना। अगला जो आपका प्रश्न है, 30 ए बी रेखा पर प्रकार द्वारा 45 डिग्री का कोण बनाओ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम वही प्रोसेस जो हमारा है वो हम ए बी रेखा लेंगे और बी रेखा लेंगे और हम ए बी रेखा पर प्रकार से एक चाप लगा लें। ये मैंने चाप लगा दी है, इस चाप का मैं यहां नाम दे देता हूं टी, जहां से चाप शुरू हुई है और जितनी प्रकार मैंने पहले खोली थी प्रकार उतनी खोली हुई है। और मैं यहाँ ये 60 डिग्री की चाप लगा देता हूँ, आपने विशेष ध्यान देना है। और दूसरी जो मैं यहाँ से चाप लगाऊंगा ये 60 और 60 120 डिग्री हो गया जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रकार करके आपने इस दूरी, ये जो दूरी, ये जो चाप की दूरी है ये 60 डिग्री की, तो हमने इसका आधा करना है। ये दोनों चापों से हम आधा कर सकते हैं और यहाँ पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का सबसे पहले। और ये कौन हमारा डॉटेड बनेगा क्योंकि पूछा हमारे से 45 है और हमने 90 पहले बनाना है, 90 का आधा हमने करना है 45। अब हमने क्या करना है, यहाँ से प्रकार मैंने उतनी खुली रखी है और हमने इसको यहाँ से इस चाप को मैं बढ़ा देता हूँ 60 वाली चाप को यहाँ पे, और ये जो रेखा आ रही है 90 डिग्री यहाँ प्रकार करके मैं इस चाप को काट दूँगा, ये देखिए। और मैं इसको ऐसे इसको डार्क मिला देता हूं। ये आपका 45 डिग्री का कोण बन गया है। ये फॉर्मूला नंबर 1, ये है पहला फार्मूला। एक दूसरा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ कि हम 45 डिग्री का कोण एक और कैसे तरीके से बना सकते हैं। जैसे अभी तक हमने कार्य किया था उसी के आधार पर मैं एक आपको बताता हूँ। ये मैंने ए बी रेखा ले ली है, ए और बी, क्योंकि हमें 90 डिग्री का कोण सिखाने के लिए नहीं पूछा गया था। ये प्रश्न नंबर आपका 30 है तो हमारे से सीधा ही 45 का कोण बनाने को कहा, जबकि पहले 90 का इसके लिए आता है। हमें क्या सिखाया था पहले, 60 डिग्री का कोण। अब मैं 60 डिग्री के कोण से ही आपको 45 का कोण बनाना बताऊंगा। तो कैसे बनेगा मैं आप देखते रहिए, ये मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ डी। ये मैं अपनी ओर से बना रहा हूँ, ये बुक में नहीं फार्मूला दिया हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ।
ये आपका बन गया 60 डिग्री का और मैं इसको डॉटेड मिला रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, हमने क्या करना है, जो ये 60 का है इसका हम आधा कर देते हैं, 60 डिग्री का जो कोण है इसका हम आधा कर देंगे, तो ये मेरा बन गया कोण 30 डिग्री का, मेरा 30 डिग्री का कोण बन गया। इसको भी मैं डॉटेड मिलाऊंगा क्योंकि हमारा उद्देश्य 30 डिग्री का कोण बनाना नहीं है, हमने बनाना है 45 डिग्री का। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें यही सिखाया था 27 प्रश्न नंबर 27 से लेकर के 29 तक, और 30 में सीधा हमारे से पूछा गया 45 का, तो हम इसी तरीके से जो पीछे से हमने बनाया था इसी तरीके से हम बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारा ये 30 डिग्री का कोण है, अब देखिए ये आपका 30 का है, ये आपका 60 का है, और 30 और 60 के बीच में जो दूरी होती है वो भी 30 की होती है। अब 30 का मैंने आधा कर देना है तो ये रह जाएगा 15। अब इस 30 में 15 जोड़ूंगा तो 45 हो जाएगा, इस 60 में से 15 घटा दूंगा तो भी 45 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने ये जो आपकी रेखा आ रही है 30 वाली, यहां से हमने चाप लगानी है, और जो ये 60 वाली कोण है यहां पे हमने इस चाप को काटना है, यहां से इस तरह से ये हमने काट दिया है। जहां ये दोनों चापे आपकी कट रही है वहां पे मैं ए को मिला देता हूं, और ये रेखा हमारी डार्क आएगी, और ये भी आपका 45 डिग्री का कोण है, ये देखिए, ये भी आपका, ये जो आपका कोण बन के आ रहा है ये 45 डिग्री का आपका एंगल पूरा, जो ये डार्क लाइन जो है आंसर रेखा से निचला जो है ये 45 डिग्री का कोण आपका बन रहा है। ये दोनों फॉर्मूले से आप कार्य कर सकते हैं, आप किसी भी फॉर्मूले से करिए, ये दोनों फॉर्मूले आपके बिल्कुल सही है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले से कार्य कर सकते हैं, और आप चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको चेक करके बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको हमने रखना है बिल्कुल ए बी रेखा के सामने, और ये देखिए ये आपका 130 है, सॉरी यहाँ से मैं बताता हूँ ये 40 है, और ये आपका 45, ये देखिए यहाँ पे पूरा 45 डिग्री पे आ रहा है। इसको भी आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये देखिए जहाँ पे ये लाइन आ रही है आप यहाँ पे चेक करिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये भी 45 डिग्री का आपका सही बन रहा है। तो दोनों फॉर्मूले सही है, आप किसी भी फॉर्मूले से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे गलत नहीं होगा, ये किताब में दिया हुआ है और ये मैंने अपनी आप अपने जो अनुभव से आपको करवाया है। तो आप इस यहाँ से करिए, ऐसा 45 का बनाइए चाहे इस तरह का बनाइए, दोनों सही है, गलत कोई सा भी नहीं है।